मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में फैसला सुनाने वाले स्पेशल एनआईए जज ने दिया इस्तीफा। 11 साल जांच और सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। भारतीय सेना का जवान हिजबुल मुजाहिदीन में हुआ शामिल, पुलिस अधिकारियों ने कहा वह रविवार को समूह में हुआ शामिल। किसानों के लिए राहत भरी खबर, मौसम विभाग ने सामान्य मानसून रहने की जताई उम्मीद। मानसून के शुरुआत की तिथि की घोषणा मई के मध्य में की जाएगी। आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की, इसमें भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने लंबी छलांग लगाते हुए पहली बार टॉप 5 में जगह बनाई। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 29 अप्रैल को आएंगे, इसकी जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव नीना श्रीवास्तव ने दी। कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब मांगा, साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को 82 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर हिंदुओं का अपमान किया, जिसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस खेमे में बवाल, कांग्रेस के नेता के रहमान खान ने कहा कि आला कमान के राज्य नेतृत्व को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया तो पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ सकती है।